मुझे आगे। बहुत प्यारी लग रही है ये तो, बहुत ही ग्रे अच्छा वाली सबसे अच्छी लग रही है, सबसे अच्छी ग्रे वाली लगी मुझे। ये देखो मजा आ गया। मैम बताइए आप कहाँ से, मतलब आपने हमारे यहाँ पे विजिट किया, कभी डिजाइन अपडेट किया? मैं बरेली से आई हूँ और मैंने यूट्यूब पे देखा था आपका वीडियो, मुझे बहुत अच्छा लगा। कम से कम आप कितनी साड़ी लेके हैं हमारे पास? देखिए फ्रेंड्स, कम से कम मैं बरेली से, हमारे क्लाइंट हमारे पास इतनी दूर से है, कम से इन्होंने कम से कम 10 से 12 दिन से पहले मेरे को कॉल की हुई थी और सर लेके आए। सबसे ज्यादा तो एहसान सर का है कि सर लेके आए हैं बरेली से, और कम से कम इसमें से 5 ड्रेस बनेंगी और मैम वहीं से फीडबैक देंगी बरेली से, क्योंकि मैम विजिट नहीं करेंगी और हम सारी ये ड्रेस बनाएंगे। एक ड्रेस, 2, 3, 4 और एक और है, वो बहुत ही अलग है, यूनिक है, वो सरप्राइज है। आपको हम इस वीडियो में कम से कम आपके साथ 5 साड़ी शेयर करेंगे, 5 साड़ी में से 5 ड्रेस बनाएंगे। और ये जो क्लाइंट है हमारे, ये एक ही घर के क्लाइंट है और बरेली के क्लाइंट है, स्पेशल यहाँ पे स्टिच कराने के लिए है कि साड़ी में से ड्रेसेस बनवानी है उनको। तो हम 5 साड़ी आपको दिखाएंगे, उनकी मम्मी और बेटी दोनों की ड्रेसेस बनेंगी। क्लाइंट काफी दूर के हैं, वो दोबारा विजिट नहीं कर पाएंगे, हम जब ये पूरा फाइनल लुक है उनको, पूरा कंप्लीट लुक हम वीडियो कॉलिंग पे ही दिखाएंगे उनको, वो वहीं से उसको देखेंगी और इधर से हम इधर कोरियर कर देंगे। तो हम आपको जो पूरा कंप्लीट लुक है वो आपको डमी में ही दिखाएंगे, किस तरीके से तैयार हुई, कैसी कैसी तैयार हुई, सब आपको इसी वीडियो में दिखाने वाले हैं। क्लाइंट हमारे ये बरेली के हैं, तो चलिए चलते हैं हम अपनी साड़ियों की तरफ। पहले आप साड़ी को बहुत ध्यान से देख लीजिए, फिर उसके बाद आप ड्रेसेस देखना। सबसे पहले हम अपनी इस साड़ी की तरफ चलते हैं। साड़ी तो काफी सुंदर है, ये जो इनकी बेटी है, इनकी बेटी की ये ड्रेस बनने वाली है। अभी हम ज्यादा आपको डिटेल नहीं समझाएंगे कि इसमें से हम क्या बनवाने वाले हैं, पहले आप साड़ी को बहुत ध्यान से देख लीजिए। जब ये बन जाएगी तब हम आपको इसका पूरा अच्छे तरीके से समझाएंगे। साड़ी प्लेन है, सिर्फ कलरफुल है, इसमें 2 से 3 कलर है इसके अंदर। और ये जो सबसे ज्यादा इसके अंदर अच्छा पार्ट है वो ये है, ये वाला। तो इसमें से भी हम काफी कुछ अच्छा बनाने वाले हैं। चलिए सबसे पहले आपने ये साड़ी देख ली, अब उसके बाद आप सेकंड नंबर पे ये वाली साड़ी देखिए। क्लाइंट काफी एक्साइटेड थे, इन्होंने मुझे कम से कम 8-10 दिन पहले ही बता दिया था कि हम बरेली से आएंगे और डेट भी बता दी थी कि उस दिन हम आपके बुटीक पे विजिट करेंगे। ये बुटीक पे विजिट किया तो इन्होंने कम से कम हमें 5 साड़ी दी है। ये देखिए, इसमें से भी कुछ अच्छा ही बनने वाला है। अभी हम थोड़ा सा सस्पेंस बना के रखा हुआ है कि इसमें से क्या क्या बनने वाला है। ये इनकी मम्मी की साड़ी है, डिमांड अच्छी थी उनकी, ज्यादा कुछ नहीं थी, बस ये थी कि मुझे अच्छे और थोड़ा सा पार्टी वेयर लुक बनाया जाए। जॉर्जेट की साड़ी है ये, देखिए हमारा मेन पर्पज यही होता है कि जैसे ही साड़ी दिखा दी जाती है और फिर उसके बाद जब ड्रेस बनती है तो थोड़ा आपको अच्छे से आइडिया हो जाता है कि इसमें से साड़ी में से क्या बन सकता है। इस तरीके से देख के आप सबको भी आइडिया हो जाता है कि हमारे पास, यदि आपके पास भी ऐसी साड़ी होगी तो आप उसमें से इसी तरीके से ड्रेसेस बनवा सकते हो। क्योंकि क्लाइंट मेरे पास मैसेज डालते हैं कि मैम आप साड़ी में से देख के आप बताइए इसमें से क्या क्या बना सकते हैं। बनने को बहुत कुछ बन सकता है, पर साड़ी जो है या क्या चीज चाहिए आपको वो आइडिया आप ही दोगे, तभी उसी से मिलती जुलती ड्रेसेस बन सकती हैं। ड्रेस एक तरह की नहीं बनती, काफी तरह की ड्रेसेस बन सकती हैं। देखिए जैसे कि इस वाली साड़ी में ये बहुत अच्छी चीज है कि पूरी फुल कढ़ाई वाली साड़ी है। अब ये फुल कढ़ाई वाली साड़ी है तो इसके हिसाब से ड्रेस बनेगी, और यदि हाफ एंड हाफ होती तो ये हाफ एंड हाफ के हिसाब से बनती, बट ये फुल है तो फुल के हिसाब से बनाएंगे और इसकी लुक भी अच्छी आएगी। एक साड़ी ये है ग्रे कलर की, साड़ी को ध्यान में रखते हुए भी हम अपनी ड्रेसेस का थोड़ा सा आइडिया निकालते हैं, साड़ी भी देखते हैं, चॉइस भी देखते हैं, तब जाके कहीं कोशिश करते हैं कि अभी अच्छी लुक आ जाए। कभी कभी कुछ साड़ी ऐसी होती है जो बनने के बाद नहीं अच्छी लुक दे पाती, तो हमारी कोशिश पहले यही होती है कि हम पहले साड़ी की रंग रूप देख के फिर कोशिश करते हैं कि इसको अच्छा बनाने की। तो इस तरीके से कम आपको 5 साड़ी दिखाई, अब इन 5 साड़ी में से हम आपको अलग अलग तरीके से ड्रेस बनाकर दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपनी ड्रेस की तरफ। ड्रेस के अकॉर्डिंग ही बताया कि इसमें से अगर हम जैसे ब्लाउज बना दिया
और ब्लाउज बनाने के बाद गुड़िया की मैंने देख लिया, गुड़िया की हाइट 36 के करीब है, 36 में हील में पहनोगे कितनी, 2 इंच 36 ही होनी चाहिए, 38 तो ज्यादा हो जाएगा। यहाँ से घुमा के नापो एक बार, यहाँ से इनसे घुमा के नापो कितने की जरूरत पड़ेगी, यहाँ से पल्लू पे डाल दे, ये करीब इनके मेरे हिसाब से 2 मीटर हो जाएगा। हम इसे कोशिश करेंगे कि ऐसे ही दें, बट बाय चांस हमारे ये चीज नहीं निकल पाई ये, तो हमने इसका एक अम्ब्रेला स्कर्ट देंगे, सही घेरने की घेर बनाने की कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ से ऐसे ड्रेपिंग आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अभी जो आपने साड़ी की छोटी सी क्लिप देखी, साड़ी को ध्यान से देखा, हमने बनाई उसमें से ये वाली ड्रेस। सॉरी फ्रेंड्स, हम इनका चेहरा नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि एक्चुअली ये क्लाइंट, मैंने जैसे कि आपको बताया था, ये बरेली के क्लाइंट हैं और ये क्लाइंट हमारे आ नहीं सकते, तो ये हमने अभी किसी और को पहनाया है ये, जिसमें कि आप देख रहे होंगे ब्लाउज की फिटिंग भी सही से अच्छे से आ नहीं रही है, क्योंकि जिसका ये रियल में ब्लाउज है या जिसकी ये ड्रेस है वो बरेली में है, वो इतनी दूर से नहीं आ सकते, बट हमें आपको पूरा कंप्लीट लुक दिखाना है, इसीलिए हमने किसी और को पहनाया है, बट उनको भी अपना चेहरा नहीं दिखाना है, पर हमने पूरी कोशिश की है कि हमें तो सिर्फ आपको ही समझाना है कि किस तरीके से ये ड्रेस बनी है, और इसका पूरा कंप्लीट लुक आप देखिए और कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि आपको जो ये साड़ी में से हमने ड्रेस बनाई ये कैसी लगी। अब हम आपको इसकी पूरी डिटेल समझाते हैं कि हमने इसे किस तरीके से बनाया और इसमें हमने कैसे कैसे जुगाड़ किए जो ये ड्रेस पूरी तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले जो इसका ये ब्लाउज आप देख रहे हो गोल्डन कलर का, ये ब्लाउज हमने पल्लू वाला पार्ट आपने ध्यान से देखा, ये हमने पल्लू वाले पार्ट में से सारा ब्लाउज बनाया, पूरा कंप्लीट ब्लाउज हमारा उसी में से बना है, ये नेट का फैब्रिक है, इसके अंदर हमने एक साटन की फैब्रिक भी डाली है और एक देखिए इसके अंदर कॉटन की लेयर भी लगी है, तो ये हमारा 3 लेयर वाला ब्लाउज तैयार हुआ है, पाइपिंग निकाली है और फ्रेंड्स हमने इसको विदाउट पैडेड बनाया है, क्योंकि क्लाइंट की जो डिमांड थी वो ये थी कि मुझे पैडेड नहीं बनाना, क्योंकि उनका थोड़ी सी हाइट छोटी है बट उनका जो साइज है थोड़ा सा हेल्दी है, तो इसलिए उनको पैडेड ब्लाउज नहीं चाहिए था। कट स्लीव ब्लाउज बनाया है, पाइपिंग निकाली है इसके अंदर, पाइपिंग हमने यहाँ भी निकाली, और ये जो डिजाइनिंग हमने उनको जो शेयर की, मतलब आइडियाज़ दिया, वो सारा हमारा मेरा अपना है, मैंने इस साड़ी को देखने के बाद उनको पिक्चर्स दिखाई कि देखिए आपको एक साइड में ऐसे छोटी सी पिक्चर दिख रही होगी, मैंने कुछ उनको ये वाला लुक दिखाया था कि आपकी इसमें से यदि ऐसी ड्रेस बनाई जाए तो बहुत सुंदर लगेगी, बट फ्रेंड्स इसमें काफ़ी सारी दिक्कतें आई, हमने ड्रेस तो बनाई पर इसमें फैब्रिक की बहुत ज़्यादा कमी आई। तो ये ब्लाउज तो आपने देख लिया कि ब्लाउज हमने पूरा तैयार कर दिया, अब हम इसके बारे में बताते हैं साड़ी के बाद वाला जो फैब्रिक है उसमें से हमने ये पूरी कंप्लीट ड्रेस बनाई। और देखिए फ्रेंड्स, हमने जो ये वाला पूरा जो स्कर्ट दिख रही है आपको, ये हमने पूरी अम्ब्रेला स्टाइल में इसकी पहले कटिंग कर ली, और अम्ब्रेला स्टाइल में कटिंग करने के बाद इसका अम्ब्रेला में लिया ये वाला एक और कपड़ा, इसी में से निकाला हमने इसको अम्ब्रेला स्टाइल में बनाया। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह की साड़ी जो है इसकी हर किसी की ड्रेस इसमें से नहीं बन सकती, सिर्फ इनको मैंने इसीलिए सजेस्ट किया था क्योंकि ये जो मेरे क्लाइंट थे, क्लाइंट बहुत ही प्यारे और बहुत ही क्यूट थे, बट इनकी थोड़ी सी हाइट कम थी, इनकी हाइट कम होने के कारण मैंने इनको ये वाला आइडिया दे दिया था कि इसमें से ये वाली ड्रेस आपकी बन सकती है, किसी जिसकी हाइट ज़्यादा ऊँची होगी या फिर वो हेल्दी होंगे तो उनकी ये ड्रेस इस तरीके की साड़ी में से नहीं बन सकती, तो पहले हमने इसी में यही ध्यान किया कि इसमें से ये चीज़ बन सकती है नहीं बन सकती, तो इसमें से बनी, बट इसमें भी कपड़ा हमारा बहुत शॉर्ट पड़ गया था, अभी मैं आपको बताऊंगी इसमें मैंने कपड़े में कहाँ कहाँ इसमें आइडिया मतलब अलग से और यूज़ किया जब जाके ये ड्रेस कंप्लीट करी है। तो आपने देखा है मैंने इसको अम्ब्रेला स्टाइल में ये कटिंग किया, साइड में ये चेन लग रही है, बेल्ट पूरी तैयार हो गई, और ये वाला पार्ट आप ध्यान से देखिए जिसमें हमने ये फ्रिल लगाई है, ये फ्रिल वाला पार्ट हमने अलग से एक अम्ब्रेला स्टाइल में दूसरा कटिंग किया, तो ये अम्ब्रेला स्टाइल में ही ये कटिंग हुआ है, ये भी अम्ब्रेला स्टाइल में कटिंग हुआ है, और ये जो फ्रिल वाला पार्ट है ये भी हमने अम्ब्रेला स्टाइल में ही कटिंग किया है। तो इस तरीके से हमने इसका पूरा तैयार पैटर्न किया। अब ये जो अलग से फैब्रिक था हमने साड़ी का हाफ पार्ट किया, और हाफ में से ये वाले हिस्से को हमने यहाँ पे सेट किया, आप देख रहे हो इसके अंदर हमने कैसे गैदर्स सेट किए, एक अलग से एक फैब्रिक लगा के उसमें ये गैदर्स लगा दी ये यहाँ से, और इसको इसके ऊपर ऐसे कवर कर दिया,
तो ये दिख भी नहीं रहा है और इसमें चुन्नटें भी तैयार हो गई हैं। अब आप इसको पूरा ऐसे कंप्लीट करके देखा, अभी आपने स्टार्टिंग में भी लुक देखा था ये वाला ऐसे, तो इनका ये वाला जो हिस्सा है ये कम रह गया था, मतलब कम पड़ गया था इसमें, तो इसमें हमने किया क्या अलग से, और ये वाला जो हाफ साड़ी का आधा हिस्सा हमने यहाँ पे लगाया इसमें, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा लाइट वेट हो गया था, वजन भी नहीं हो रहा था, वेट भी नहीं आ रहा था पल्लू में बिल्कुल भी, तो हमने ये अलग से कपड़ा डाई कराया, एक क्रेप का कपड़ा होता है, सॉफ्ट कपड़ा होता है, इसी की जैसी सेम क्वालिटी कोशिश की हमने कि इसको डाई कराए, हमने ये अलग से कपड़ा डाई कराया और उसको हमने फिर फ्रिल बनाया। फ्रिल बना के अभी देखा आपने साइड में पिक्चर देखी होगी, उसके अंदर फ्रिल नहीं है और हमने इसमें फ्रिल लगाई, तो हमने जो फ्रिल लगाई है इसके अंदर इसीलिए लगाई है ताकि इसमें एक वेट आ जाए और अच्छा भी लगे और कंप्लीट लुक भी आ जाएगा, क्योंकि इस तरह की ड्रेस में यदि हम फ्रिल भी लगाते हैं तो और भी अच्छी लुक आ जाती है। तो इसमें हमने पूरे में यहाँ से यहाँ तक हमने फ्रिल बनाई और ये लगाई, और अभी आप ये भी देख रहे हो यहाँ पे भी हमने ये थोड़ा सा बड़े चौड़े हिस्से में हमने ये फ्रिल लगाई, इसकी कटिंग हमने कुछ इसी तरीके से की है क्योंकि इतना ही हमारे पास साड़ी वाला हिस्सा बच रहा था, उसी में हमने फिर अलग से कपड़ा डाई करा के ये वाले लॉन्ग में हमने फ्रिल तैयार की। तो इस तरीके से हमने इसमें ये पूरी कंप्लीट ड्रेस तैयार करी, ये जो हमने साड़ी में से बनाई। फिर बेटा कैसी लगी? मस्त है, बहुत प्यारी है, जैसे सोचा है वैसे ही है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। How the dress is looking? It's very good. Fitting is so. आप देखिए फ्रेंड्स, अभी आपको आपने जो साड़ी देखी उस साड़ी में से हमने ये वाली ड्रेस रेडी की है, पेम्पलम वाली ड्रेस है ये हम सब हमने ड्रेस फाइनल कर ली थी उनके साथ में कि इसको हम कैसे बनाने वाले हैं इस साड़ी में से। तो इस साड़ी में से हमने पूरा पेम्पलम लुक में बनाया। अब मैं इसकी पूरी डिटेल समझाती हूँ कि इसको हमने किस तरीके से बनाया, बाकी तो अब आपको काफी हद तक समझ में आने लगा होगा कि हम जो साड़ी में से ड्रेस बनाते हैं वो किस तरीके से बनाते हैं। ये जो पार्ट आप चोली वाला पार्ट देख रहे हो ये हमने पल्लू वाले पार्ट में से ही निकाला। ये शेप हम उनको दिखाई थी कि हम इस तरह की शेप बनाएंगे, ये वाली हमने शेप बनाई इसमें, इसके अंदर हमने अस्तर डाला है चोली के अंदर, बाकी हमने नीचे की तरफ इसमें लाइनिंग नहीं लगाई है। और इसको हमने सामने से ओपन किया है, जब हम इसको ऐसे सामने से स्लिट खोलेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, और इसको हमने बटन की हेल्प से इसको हम बंद कर देंगे। लुप्पी लगाई है हमने इसके अंदर, बटन लगाए हैं, पाइपिंग निकाली है। साइड में आप पिक्चर देखिए, हमने कुछ पिक्चर का इस तरह का इमेजिन किया था, इस पिक्चर को ध्यान में रखते हुए हमने ये ड्रेस बनाई है। ड्रेस हमने उनको दिखाई थी कि इस वाली साड़ी में से हम कुछ इस तरह की ड्रेस बनाएंगे, उनकी कोई खास डिमांड नहीं थी, उनको देखने के बाद उनको ये वाली ड्रेस अच्छी लगी और उन्होंने बोला कि आप इसमें से ये वाली ड्रेस तैयार कर दीजिए। तो हमने ये पूरा पल्लू वाला पार्ट था, उस पल्लू वाले पार्ट में से ही हमने ये पूरा पेम्पलम तैयार किया है। हमने कलियां बनाई है इसमें, हर इसमें पूरे घेर में ऐसे इस तरीके से कलियां तैयार की है और नीचे भी इसकी पूरी फिनिशिंग की है। कलियों का बहुत ज्यादा इसमें बहुत ज्यादा घेर नहीं बनाया क्योंकि इसमें घेर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जितनी हाइट हमारी छोटी होती है उसी के हिसाब से घेर तैयार होता है। इसमें हमने पाइपिंग निकाल दी, पाइपिंग का जो मिक्स मैच निकाला है वो हमने इसी कढ़ाई को ध्यान में रखते हुए ये पाइपिंग निकाली है हमने। और स्लीव्स इनकी हमने प्लेन निकाली क्योंकि इसका सारा कढ़ाई वाला पार्ट बिल्कुल भी नहीं बचा था इसके अंदर। और इसके बाद जो हमने ये बाद वाला डिजाइन है, क्योंकि देखिए इस तरह की डिजाइन हमेशा पेम्पलम वाले लुक में यदि हम बनाते तो काफी अच्छा लगता है, फैब्रिक हमारे पास अम्ब्रेला स्टाइल में नहीं बचा था, तो ये हमने सीधे में ही लिया, सीधे में हल्की हल्की सी चुन्नटे डाल के इसको तैयार किया। इस तरह का हमने क्लाइंट को बोल दिया, मैंने अपने क्राफ्ट्समैन को समझाया कि यदि आपको पास फैब्रिक अम्ब्रेला स्टाइल में कटिंग वाला नहीं है तो आप इसे स्ट्रेट में लगा सकते हो। के बाद वाला जो हाफ एंड हाफ है उसी में से हमने ये प्लाजो तैयार किया। प्लाजो पूरे घेर का है, जितना इसके अंदर घेर निकल सकता था हमने पूरा घेर निकाल दिया। लाइनिंग हमने प्लाजो में पूरी कॉटन की लाइनिंग दी है साथ में, और देखिए ये जो प्लाजो है इस प्लाजो में भी हमने सामने की तरफ इसमें कढ़ाई दी है लेकिन नीचे की तरफ इसमें कढ़ाई नहीं है, इसमें कॉटन का फैब्रिक लगाया हुआ है ताकि इसको पहनने के बाद बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। तो इसमें हमने पेम्पलम के साथ में प्लाजो वाला ड्रेस तैयार की है। और देखिए फ्रेंड्स, हमने इसमें से एक दुपट्टा भी बनाया क्योंकि इनकी मम्मी की डिमांड थी कि मेरी बेटी का एक दुपट्टा भी तैयार किया जाए,
तो फ्रेंड्स थोड़ा सा इनकी मतलब हाइट कम थी, इसलिए हमने इसमें से कोशिश की कि एक दुपट्टा भी तैयार किया जाए, पर दुपट्टे की हाइट हमारी कम पड़ गई थी। ये देख रहे हो आप इसके अंदर जोड़, यहाँ पे हमने इसमें जोड़ लगा दिया और इसमें एक लेस लगा दी, तो ये लंबाई तो इसकी इतनी बन गई थी यहाँ तक, बट ये बहुत फिर भी छोटा पड़ रहा था, तो हमने इसमें थोड़ा सा कपड़ा डाई कराया। कपड़ा डाई कराने के बाद इसको हमने एक इस तरीके का दुपट्टे का लुक दे दिया, क्योंकि इनका जो दुपट्टे का मन ही था इस ड्रेस पे कि एक दुपट्टा तैयार किया जाए। तो अब इसकी हाइट भी अच्छी हो गई है और लुक में भी अच्छा बन गया है। तो इस तरीके से हमने इस ड्रेस के साथ में ये दुपट्टा भी तैयार किया। तो अब चलिए चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट ड्रेस की तरफ, जो हमने इनकी साड़ी में से बनाया एक नायरा कट सूट। चलिए चलते हम। देखिए फ्रेंड्स, अभी जो आपने साड़ी देखी ग्रे कलर की, उस साड़ी में से बनाया हमने ये नायरा कट में सूट। इससे पहले जब ये बुकिंग पे आए थे तब ये इस तरह का डिजाइनिंग बुक नहीं थी, प्लाजो वाला स्टाइल बुक था, लेकिन बाद में हमने इसको चेंज कर दिया और इसको हमने नायरा कट स्टाइल में बनाया। तो ये नायरा कट स्टाइल में ये साड़ी में से सूट बना। पहले आप ये बताइए कि आपको ये कैसा लगा। इस साड़ी में से जो हमने ये नायरा कट ड्रेस बनाई है, इसका मैंने एक प्रॉपर एक वीडियो भी बनाई है छोटी सी, जब हमने मास्टर जी को समझा रहे थे कि किस तरीके से निकाला, तो वहां भी आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि इसको हमने कैसे बनाया। बाकी मैं आपको एक बार समझा देती हूँ अच्छे तरीके से कि मैं आप साइड में देखिए, कुछ हिस्सा कढ़ाई का आ रहा है, फिर प्रिंटेड आ रहा है, फिर कढ़ाई वाला हिस्सा आ रहा है। इस तरीके से कम दो जगह पे ये कढ़ाई थी और उसके बाद इसमें प्रिंटेड वाला पार्ट था। तो इसमें से जो प्रिंटेड वाला पार्ट है उसमें से तो हमने इनका प्लाजो बना दिया, और जो कढ़ाई वाला पार्ट था उसमें से हमने इनका सूट बनाया। तो ये इसमें एक हिस्से में हमारा कढ़ाई वाला ये पार्ट था, जिसमें ये पूरे में कढ़ाई इस तरीके से आगे भी आई हुई थी, मतलब एक बूटा यहाँ था, एक बूटा इस तरीके से यहाँ था, और कम से कम ये दो बूटे अभी और आगे भी थे। तो इस तरीके से चार बूटे थे, इस चार बूटों में से कम मैंने जो दो बूटे ये वाले आप देख रहे हो सामने, इसमें डिजाइनिंग बनी हुई है, इसमें कट लगा हुआ है, तो इसलिए ये देखिए कितनी दूरी पे ये कढ़ाई आई हुई है। तो इस कढ़ाई को हमने थोड़ा नजदीक लाने के लिए, ताकि इसमें हमारा चोली भी अच्छे से बन जाए, ये देखिए हमने इसे नजदीक ऐसे लाए और इसमें हमने यहाँ पे पाइपिंग सेट कर दी, लुप्पी सेट कर दी, और ये कढ़ाई वाला पार्ट हमने अपनी चोली में सेट कर दिया। पाइपिंग इसके अंदर वही हमने क्रीम कलर की लगाई, क्योंकि जो इसकी कढ़ाई है वो हमारी क्रीम ही कलर की थी। इसके अंदर हमने ऐसे लुप्पी बटन लगा दिए। ये सब डिजाइन हमने अपने तरीके से बनाया, जिनकी ये ड्रेस है उनको आइडिया नहीं था कि किस तरीके से आप बना रहे, सिर्फ उन्होंने जो डिमांड की थी उनकी डिमांड थी नायरा कट पर किस तरीके से बनाना है, कैसे बनाना, ये पूरा आइडिया हमारा अपने तरीके से है। इसमें यहाँ पे कट स्लीव में भी हमने पाइपिंग निकाली है, और आपको पहले मैं इसका बैक दिखाती हूँ, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये जो साड़ी में दूसरा हिस्सा कढ़ाई वाला था उसमें से हमने ये बैक बनाई। बैक में हमने कढ़ाई कम ली, ऊपर का चोली का पार्ट हमने प्लेन ले लिया, नीचे हमने ऐसे कढ़ाई ले ली। तो आगे के हिस्से में हम, जैसे कि आपको सभी को पता है कि कढ़ाई वाला हिस्सा हमारा आगे होना चाहिए, पीछे तक थोड़ा प्लेन होना चाहिए, तो हमने इसमें ऐसे ही कोशिश की। और अब देखिए साइड में जो स्लिट है, नायरा कट में मोस्टली साइड में लेस लगी होती है, तो इसी की हमने लेस निकाल दी, जो इसमें साड़ी में ये बॉर्डर लगा हुआ था। जब पहले हम इसको देख रहे थे तब इतना खूबसूरत नहीं लग रहा था, लेकिन जब हमने इसमें एक अपने पास से ये लेस लगाई व्हाइट कलर की, मैं आपको ये लेस दिखाती हूँ, आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। फिर ये देखिए फ्रेंड्स, ये वाली लेस हमने इसमें दोनों तरफ ये वाली लेस लगा दी, और इसको पॉइंट, इसका सिर्फ ये वाला पॉइंट हमने यहाँ पे दिखाया। ये अभी आप देखना साड़ी को, आप ध्यान से देखिए, उसमें जो बॉर्डर है वो इतना सुंदर नहीं लग रहा, लेकिन इसमें हमने जब दोनों तरफ ये लेस लगा दी तो इसमें काफी खूबसूरती आ गई, क्योंकि इसमें हमारा व्हाइट टच भी था इसके साथ में। जो प्लाजो था, प्लाजो हमने इनका प्रिंटेड में बनाया है, जितना इसके अंदर घेर निकल सकता था हमने पूरा घेर निकाला, इसमें कोई कली नहीं लगाई है, घेर इतना ही निकला, और इसके अंदर भी हमने ये लेस लगा दी। लेस में हमने ये दोनों तरफ इस तरह की व्हाइट वाली लेस लगाई, और इसमें हमने लाइनिंग यहाँ पे भी लगाई। देखिए हमारी लाइनिंग की क्वालिटी देखिए, कैमरिक हम लगाते हैं अपनी अपनी जो ड्रेस होती है, और इसमें भी हमने लाइनिंग लगाई है, नायरा कट में भी हमने लाइनिंग लगाई, बट हमने लाइनिंग में कोई भी गैदर्स नहीं डाली है, सिर्फ जो गैदर्स डली है वो मेन कपड़े में है, नीचे वाला जो कपड़ा है उसमें कोई भी गैदर्स नहीं है। इस तरीके से हमने
इस साड़ी में से ये वाली ड्रेस बनाई। आप भी कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको ये जो साड़ी में से ड्रेस बनाई ये कैसी लगी, और इसका जो अभी हमने ना इनको पूरी कंप्लीट ही सारी ड्रेसेस दिखाई थी और उनकी एक छोटी सी वीडियो भी बनाई कि उनको ये सब ड्रेस देखने के बाद कैसी लगी। तो ये आपको अभी इसी वीडियो में आप लास्ट तक बने रहना, आपको उनका पूरा रिएक्ट मिलेगा कि उनको ये सब ड्रेस कैसी लगी। चलिए फ्रेंड्स, अब इनकी तीनों ड्रेस तैयार हो गई है। अब हम इनकी मम्मी की दो ड्रेस हैं जो हम आपको दिखाएंगे, और आप उनको भी देख के बताना कि आपको ये ड्रेस कैसी लगी। इस तरीके से हमने इनकी कम से कम 5 ड्रेस बनाई जो हमारे क्लाइंट ये बरेली के हैं। चलिए चलते हम उनकी मम्मी की ड्रेस की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, आपने जो साड़ी देखी उस साड़ी में से बनाई हमने ये वाली ड्रेस। सामने से स्लिट उसका ओपन है और साथ में हमने इसमें ये शरारा दिया है इसके अंदर। ये जो ड्रेस है, ये ड्रेस हमने साइड में जो पिक्चर है इस पिक्चर को ध्यान में रखते हुए ये ड्रेस तैयार करी। तब हमने उनको थोड़ा सा आइडिया दिया था कि आपकी जो ड्रेस तैयार होगी कुछ इस टाइप की ड्रेस तैयार होगी, आगे से ओपन रहेगी और साथ में हम इसमें एक शरारा बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ कि ये जो चोली वाला पार्ट है, ये चोली वाला पार्ट हमने पल्लू में से ही निकाला है। जो पल्लू के अंदर कढ़ाई थी, पल्लू की कढ़ाई थोड़ी दूर दूर पे थी, तो इसको हमने थोड़ा नजदीक इसलिए कर दिया क्योंकि बीच में इसमें गैप है। इस बीच वाले जब बीच में कटिंग आ जाती है तो हम किसी भी तरीके से सेट कर सकते हैं, तो बीच वाले गैप को हमने कम कर दिया और इसका फूल आपस में हमने ऐसे मिला दिया, तो इसकी एक अच्छी लुक भी आ गई, फ्लावर्स भी पूरी चोली पे आ गए और इसकी लुक भी अच्छी बन गई। सामने से ये ओपन है, इसमें ये जो लुप्पी लगी हुई है ये फिक्स नहीं है, इसको हम ऐसे करके खोल भी सकते हैं। ये यहाँ से इस तरीके से खुलेगा और ये ऐसे ओपन करके भी पहना जा सकता है। बाकी अगर हम इसे ओपन भी ना करें, ऐसे भी ना खोलें, तो भी आराम से पहना जा सकता है। इसके अंदर हमने एक साथ में बेल्ट भी तैयार की है। बेल्ट के बारे में हम पहले इसको पूरा आपको कंप्लीट लुक दिखाया है। अब मैं आपको समझाती हूँ कि जब हमने इसको सामने से ओपन किया, इसमें हमने गोल गला दिया, गोल गले में हमने ये पाइपिंग निकाल दी ब्लू कलर की। ब्लू टच इसके अंदर हमने हाईलाइट किया है, आपने देखा उसमें ब्लू कलर के हमने बटन भी लगाए हैं, लुप्पी भी लगाई है। और तो ये हमने पल्लू में से ही निकाला। आप देखिए, आप नीचे वाला हिस्सा देखिए, ये वाला पार्ट भी हमने पल्लू में से ही निकाला है। पल्लू वाले पार्ट में जितना भी पूरा घेर निकला उतना हमने इसका पूरा कंप्लीट घेर निकाल दिया। हमने एक छोटी सी क्लिप भी बनाई थी जब हमने अपने मास्टर जी को समझा रहे थे, तब वो कैसे कैसे हमने उसको आइडिया निकाला। तो थोड़ा अभी इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहना, आपको एक छोटी सी वीडियो भी मिलेगी समझाते हुए, तो आप उसको ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे कि हमने कैसे बनाया। बाकी मैं आपको इसको समझा ही रही हूँ कि जो पल्लू वाला पार्ट था वो हमने जितना इसके अंदर उस पल्लू में हिस्सा था ये हमने पूरा उसी में से घेर तैयार कर दिया। लाइनिंग हमने इसके अंदर नहीं लगाई, और ये सामने से जो आप ओपन देख रहे हो इसमें भी हमने ब्लू कलर की पाइपिंग लगाई। इसके अंदर हमने लेस लगा दी, ये लेस मैंने सिल्वर कलर की बताई थी कि इसमें आप सिल्वर कलर की लेस लगाओ, क्योंकि इसके अंदर वर्क भी सिल्वर था और सिल्वर ही टच लगाया तो ही अच्छा लगा। पाइपिंग सिर्फ हमने ब्लू कलर इसके अंदर सिर्फ हमने हाईलाइट किया है ताकि इसको एक अच्छा सा ग्रेस मिल जाए। नीचे की तरफ हमने ये बॉर्डर लगा दिया, ये बॉर्डर साड़ी में ही था जो हमने यूज किया। पाइपिंग देखिए, नीचे की तरफ भी हमने इसमें पाइपिंग लगवाई है, तो ये पाइपिंग लगने से इसमें काफी अच्छा ग्रेस आ गया। फिनिशिंग देखिए, इसके नीचे से हमने इसकी फिनिशिंग भी की है। अगर हम इसके नीचे से फिनिशिंग नहीं करते तो उतना अच्छा लुक नहीं बनता है। और गैदर्स वाली हमने इसके अंदर डाली, इसके अंदर कलियां नहीं कटिंग की है, कलियां कोई नहीं कटी है इसके अंदर, क्योंकि घेर भी बहुत ज्यादा नहीं बनाया है इसलिए हमने इसमें कलियां भी नहीं कटिंग की है। और ये वाली जो घेर है इसमें हल्की चुन्नट डाल के हमने इसको सेट कर दिया। अब इसकी स्लीव्स देखिए, आप स्लीव्स इसके अंदर मोस्टली प्लेन ही निकला क्योंकि पीछे वाले पार्ट में से निकाला, इतना बचा नहीं था, उसमें से हमने ये स्लीव्स निकाल दी और इसमें हमने बॉर्डर लगा दिया, बॉर्डर के साथ में ये पाइपिंग लगाई। जब ये पूरा तैयार हो गया था तब इसमें ये पाइपिंग नहीं थी, हमने ये दोबारा से पाइपिंग लगवाई कि आप स्लीव्स में भी पाइपिंग निकालिए। देखिए, जब क्राफ्ट्समैन जो हमारे क्राफ्ट्समैन वगैरह है जो ये बनाते हैं ड्रेस, तो कभी कभी कुछ चीज ऐसी छूट जाती है जो नहीं बनती, तो उन्होंने दोबारा से उसको दोबारा से कुछ ना कुछ इसमें रेडी करवाना पड़ता है। जैसे कि ये बेल्ट,
इसके जो पिक्चर थी उसमें वो बेल्ट भी थी, मैंने अपने क्राफ्ट्समैन से बताया था कि इसमें हम एक बेल्ट भी बनाएंगे, लेकिन ये बेल्ट हमने बाद में बनवाई है, बेल्ट इसकी तैयार नहीं हुई थी। देख रहे हो आप, ये बेल्ट में भी हमने दोनों तरफ पाइपिंग निकलवाई है, ये ऐसे लगाई जाएगी, मन करे इसको बेल्ट को लगाओ और मन करे मत लगाओ, तो ये हमने ऑप्शंस में रखी है क्योंकि इन क्लाइंट की भी डिमांड थी कि इसमें से एक बेल्ट तैयार की जाए, तो हमने इसमें से एक बेल्ट भी बना दी, बेल्ट में भी हमने पूरी फिनिशिंग दी है। अब इसका जो शरारा है नीचे का आप ये देखिए, ये हमने प्लाजो ना बना के उसका शरारा बनाया क्योंकि पिक्चर से सेम कोशिश की है एज इट इज बनाने की, उसका इनकी डिमांड भी मैंने उनको बताया था कि इसमें से यदि हम शरारा बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ये पल्लू के बाद वाले हिस्से में से हमने शरारा बनाया, इसमें हमने बॉर्डर सेट कर दिया, लाइनिंग लगाई हमने इसके अंदर, और पूरा इसके अंदर जितना भी पल्लू के बाद वाला हिस्सा था वो सब हमने इसमें लगा दिया, जितना इसका घेर बना उतना हमने इसके अंदर एक घेर तैयार किया, इतना हमारा घेर तैयार हुआ इसका। तो ये हमने इस साड़ी में से ये वाली ड्रेस बनाई, आप देख सकते हो बेल्ट में भी हमने ये यहाँ पे सामने की तरफ ये कढ़ाई वाला पार्ट लगाया, क्यों, क्योंकि जब ये ऐसे पहनेंगी सामने से स्लिट ओपन है, जब इसको पहनेंगी तो इसमें से ऐसे कढ़ाई नजर आएगी। इसकी तरफ देखिए आप, नेफे पे ध्यान दीजिए, नेफे पे कढ़ाई नहीं है, बिल्कुल भी क्लाइंट को इरिटेट नहीं करेगा। उन्होंने थोड़ा सा ये बोला था, बाद में हमने अलग से ये लुप्पी लगाई है क्योंकि जब हमने उनको वीडियो कॉलिंग करके दिखाया उनको ये ड्रेस अपनी बहुत सुंदर लगी, बस उन्होंने हल्के हल्के से चेंजेस किए, जैसे कि ये जो जब हमने ये ड्रेस तैयार की थी कमर तक हमने इसमें लुप्पी बनाई थी, बट अब इसमें हमने दो लुप्पी और एक्स्ट्रा लगाई है और नीचे की तरफ इसमें बटन लगा दिया हमने, और इसको ऐसे बटन से ऐसे बंद कर देंगे और ये बंद हो जाएगा। तो जब भी कभी इस तरह की स्लिट बनानी हो और ऐसे लुप्पी बटन लगानी हो तो कभी भी बटन ऊपर की तरफ नहीं लगाएं, बटन नीचे की तरफ लगने चाहिए, चाहे हमें लुप्पी यहाँ, चाहे हमें ये यहाँ तक भी बंद करना होगा तो हम इसको आराम से ऐसे लुप्पी लगाई अंदर की तरफ से और इसको बंद कर दिया, तो ये यहाँ अपने मर्जी के हिसाब से हम इसे बंद भी कर सकते हैं और ऊपर से ऐसा लगेगा कि ये सिर्फ कमर तक बंद है। तो इस तरीके से हमने इस साड़ी में से ये वाली ड्रेस बनाई, सिर्फ हमने चोली वाले पार्ट में अस्तर लगाया, इसमें अस्तर नहीं लगाया, शरारा में हमने फुल अस्तर लगाया, जो नीचे से हमने वर्क वाला पार्ट ले लिया और ऊपर से हमने प्लेन वाला पार्ट ले लिया। प्लेन पार्ट तो आपको साड़ी में से समझ ही आ गया होगा कि हमने इसको कैसे बनाया। और देखिए फ्रेंड्स, इसकी मैं बैक भी दिखा देती हूँ आपको, बैक हमने इसमें से चोली वाले पार्ट में प्लेन ली है क्योंकि इतना कढ़ाई का कपड़ा नहीं बचा था कि हम बैक इसकी वर्क वाली ले पाते, चोली हमारी प्लेन भी चल जाती है और पीछे तो पूरे में कढ़ाई है, मतलब ये तो मैंने आपको बताया ही है कि ये पीछे वाले पार्ट में पूरे में जितना भी पल्लू के बाद वाला हिस्सा था उसमें से हमने पूरे में से ये पूरी कढ़ाई ले ली, पीछे की तरफ हमने प्लेन लिया, बेल्ट इसकी तैयार हो गई और ये ड्रेस तैयार हुई। बाकी अब हमारी आगे जो कोशिश होगी वो यही होगी कि हम अब इनके छोटे छोटे पार्ट आपको वीडियो में बना बना के दिखाएंगे ताकि अब आपको आइडिया, क्योंकि मेरे पास काफी सारे ऐसे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं जिसमें ये है कि मैम आप नेफा बना के दिखाइए, आप इसकी ये गले में जो लगा रहे हो ये पाइपिंग बना के दिखाइए, इसका लाइक्रा पेस्टिंग किस तरीके से, ये सब चीजें अब हम आपको छोटे छोटे छोटी छोटी वीडियो अब आपके साथ शेयर करते रहेंगे क्योंकि अब तो आपको काफी सारी ड्रेसेस का आइडिया हो गया है कि हम अपनी साड़ी में से किस तरीके से ड्रेस बनाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इनकी अब इनकी एक साड़ी में से एक ड्रेस और बनी है वो और दिखा देते हैं आपको, और आप भी बताना वो वाली ड्रेस भी कैसी लगी और ये वाली ड्रेस भी आपको जो साड़ी में से हमने ये बनाई या ये जो डिजाइन निकाला ये कैसा लगा। देखिए काफी छोटी छोटी चीजों को यदि हम ध्यान में रखते हुए ड्रेस बनाते हैं, आइडियाज निकालिए, साड़ी को पहले ध्यान से देखिए, साड़ी में से क्या बन सकता है, कस्टमर की क्या चॉइस है, उसके हिसाब से यदि हम ड्रेस बनाते हैं तो वो ज्यादा अच्छी लगती है, क्लाइंट भी खुश हो जाते हैं और हमें भी पसंद आती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम नेक्स्ट ड्रेस की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, हमने जो आपको साड़ी दिखाई उस साड़ी में से बनाया हमने ये गाउन, पहले आप गाउन को ध्यान से देखिए, इस तरह के गाउन आपने पहले भी देखे होंगे, बट हमारा जो मोटिव था यही था कि इनके अगर बरेली वाले मेरे क्लाइंट के जो पांच ड्रेस बनी है हम आपको पांचों ड्रेस कंप्लीट दिखाएं, उसमें जो लास्ट की ड्रेस रह गई है वो यही रही है। इसमें से साड़ी आपने देखी ध्यान से, पिंक कलर की साड़ी में से हमने बनाया इनका गाउन, जो कि इनकी डिमांड ही ये थी, मैंने इनको पिक्चर दिखाई थी
कि देखिए हमने इस तरह की साड़ी में से ये वाली ड्रेस बनाई, तो क्लाइंट को वो बहुत पसंद आई। उसमें दुपट्टा भी इसी तरीके से था, इससे पहले देखिए ग्रीन कलर की एक हमने ड्रेस तैयार की थी, और ये उनको देख के उनको लगा कि मेरी ड्रेस आप ऐसे ही सेम बना दीजिए। तो हमने इसमें से बनाई कलियों वाली गाउन, और पूरा फुल इसका जाल था साड़ी में, कहीं भी ऐसे हाफ एंड हाफ साड़ी बिल्कुल भी नहीं थी। जब इस तरह की साड़ी होती है तो पूरे पूरी ड्रेस में पूरी चारों तरफ पूरे में वर्क हो जाता है, कहीं भी दिक्कत नहीं आती बनाने में। इसमें से कुछ ऐसा बताने का नहीं है कि मैंने चोली कहाँ से निकाली, घेर कहाँ से निकाला, सिर्फ ये है कि साड़ी पूरी वर्क वाली थी, हमने इसमें चोली बनाई। विदाउट पैडेड है ये। इसमें पाइपिंग का जो कलर लगाया वो हमने पाइपिंग का कलर येलो टच इसीलिए दिया ताकि इसमें हाईलाइट हो जाए। पाइपिंग जो शेप है इसमें पान शेप बनाई, पाइपिंग लगाई हमने, इसमें भी बढ़ाई आ गई। ये कम से कम हमने 14 कली का ये गाउन तैयार किया है, पूरा इसके अंदर फुल घेर आया है, और इसकी नीचे से जो फिनिशिंग की है वो भी हमने देखी। फिनिशिंग हमेशा हमारी रहती है, इसमें हमने नीचे की तरफ इसमें पाइपिंग इंक्लूड करी है, पाइपिंग से इसमें और अच्छी ग्रेस आ गई, फिनिशिंग से भी इसमें काफी अच्छा ग्रेस आया। कॉटन की हमने इसके अंदर लाइनिंग लगाई है, कॉटन की लाइनिंग हमारी ऊपर से ही है इसमें, और ये देखिए कॉटन की लाइनिंग। हमने कलियों वाला गाउन बनाया, इसकी जो बैक थी बैक हमने सिंपल ही बनाई है, गोल गला, क्योंकि इनको बहुत ज्यादा कोई बड़ा गला नहीं बनाना था, सिंपल सा ही गला बनाया। इसके अंदर डोरी लगाई हमने। इसमें हमने जो दुपट्टा तैयार किया है, दुपट्टा भी इसमें हमने नेट का ही तैयार किया, नेट की दुपट्टा डाई कराया, लेस हमने अपने पास से ही लगाई इसके अंदर, और इसमें ये हमने फ्रिल लगाई। फ्रिल हमने देखी जो साड़ी की जो दुपट्टा नेट का दुपट्टा जो होता है उसी में से हमने साइड से कट कर लेते हैं, उसी को साइड में से कट करने के बाद हम यहाँ से इसमें फ्रिल लगा देते हैं। फ्रिल देखिए आप कितनी फिनिशिंग से लगाई। पट्टी हमने वही जो गाउन की जो ड्रेस की पट्टी कढ़ाई वाली पट्टी है एक पट्टी ऊपर से सेट कर दी। इस तरह से पट्टी लगाने से और भी ज्यादा अच्छा ग्रेस आ जाता है। इधर से भी आप फिनिशिंग देख सकते हो, फिर इधर जरा सा भी मार्जिन इधर की तरफ बाहर नहीं है, ये सारा अंडरग्राउंड है, क्योंकि इसका जो मार्जिन है हमने इस पट्टी के नीचे ही कवर कर लिया है, और बस बाकी तो इसमें लेस ही लगाई है हमने। और इसका इस तरीके इस साड़ी में से हमने ये वाला गाउन तैयार किया। घेर काफी अच्छा बन जाता है क्योंकि इसमें रुख तो कोई होते नहीं है, फूल का कोई भी इस तरीके का लुक नहीं है कि फूल का मुंह ऊपर को लेना हमें, ये हमने हेयर फेयर करके कटिंग करी और इसका पूरा घेर फुल घेर का ये हमने गाउन तैयार किया। अभी जब इसे पहन के पूरा कंप्लीट लुक देखोगे तब इसका बहुत अच्छे से ग्रेस आएगा, अभी तो ये डमी में पहना है इसलिए इतना अच्छा लुक नहीं आया, बाकी इसको पहनने के बाद बहुत सुंदर लुक आता है। तो इस तरीके से हमने अपने बरेली वाले क्लाइंट की कम से कम हमने 5 साड़ी से 5 ड्रेस बनाई। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि जो भी ये ड्रेस बनी आपको कैसी लगी, और यदि आपको हमारी ड्रेस पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिस किसी को भी इंक्वायरी करनी हो डिस्क्रिप्शन में हम नंबर मेंशन कर देते हैं, हम कहाँ से हैं ये भी काफी सारे मैसेज आते हैं, जो हम डिस्क्रिप्शन में एड्रेस भी सेंड करते हैं कि हमारा बुटीक कहाँ पे है, आप वहां से देख सकते हो। बाकी जो हमारा एड्रेस है वो एड्रेस ये है, हम ईस्ट दिल्ली से हैं, हम ईस्ट दिल्ली में शाहदरा जो है आप सुना हुआ होगा, ईस्ट दिल्ली में शाहदरा है, शाहदरा से अगर आप आओगे तो दुर्गापुरी चौक आना होता है, दुर्गापुरी चौक से ये हरदेवपुरी के अंदर है। बाकी आप हमें कॉल करके भी पूछ सकते हो कि ये बुटीक कहाँ पे है। तो इस तरीके से अब हमने आपके साथ ये शेयर करी, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच। ये देखो इसकी बेल्ट नहीं लगाई आपने, इसकी बेल्ट भी तैयार है, मैंने वो थोड़ा सा अलग कर दी, ये रही बेल्ट इसकी। अच्छा अच्छा उससे मैं लगा के दिखाऊं एक बार बेल्ट सही है, नहीं बहुत अच्छी लग रही है, वेरी कौन सा कट बोलते हैं, ये तो है शरारा वाली, ये देखिए नीचे शरारा, अरे ब्यूटीफुल, थैंक यू। ये लेस लगा दी, पाइपिंग निकाल दी, बेल्ट लगा दी, मन करे आपने बेल्ट लगानी है, मन करे आप ऐसे ही इसको पहन हाँ। सकते हो, ठीक है, बहुत सही बात है, बहुत प्यारी है। बैक साइड, बैक साइड
बैक साइड भी इसी तरीके से है, वो तो हमने ऐसे किया है। सही बता रही हूँ, ड्रेस आपको पहन पहन के दिखानी थी। नहीं, बहुत प्यारी लग रही है। चलिए थैंक यू। अब हम दिखाते हैं आपको सेकंड। वाओ ब्यूटीफुल, ये देखिए अब इसका दुपट्टा। मम्मी तुम शादी पहन लो, उसके बाद मैं किसी ओकेजन पहन लूंगी। बहुत सुंदर है, मेरे आ जाएगी, बहुत प्यारी है, मेरी भी आ जाएगी, ये भी बढ़िया है। वाओ ठीक है, मैं कहीं घूमने जाऊंगी। हां, इसके बैक साइड इसमें मैंने पिंक कलर की लेस भी लगा दी है। हां हां, ये अच्छी लग रही है। सही है यार, आपकी थी तो ड्रेस। और ये सब आप पीछे जैसा लग रहा है, आप पैन की फोटो भेजोगे हम वहां से बरेली से? बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब मैं बाकी दिखा दे, बता दे। वाओ ये देखो, तुम बताओ, बहुत खूबसूरत लग रही है, बहुत प्यारी। वाओ, ये दुपट्टा भी इसी में से लगाया है, इसके में ये निकाल दी। देख बेटा कैसी लग रही है, बहुत 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 अच्छा लग रहा है मुझे तो। मैं तो उसको देख रही हूँ शांति, कितना अच्छा लगेगा। आई एम जस्ट इमेजिनिंग। हाँ मम्मी, तुम्हारे वाले से मुझे अपना वाला ज्यादा बेटर लग रहा है। हाँ, क्योंकि उसमें वो वाले फूल मुझे जिसको मैंने भी बनाया है, एक बार उनको पूरा आपको कंप्लीट लुक दिखा दूंगी। देखो लेस वगैरह लगा के इसका ये लंबाई बढ़ा दी, दिख रही है, दिख रही है, दिख रही है। मम्मी बेटी दोनों पहनना ऐसे। हाँ, डुओ करेंगे अपन, डुओ करेंगे। अब सबसे लास्ट पे वो दिखाएंगे सबसे अच्छी। अरे भैया अभी इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, अब ये बता दो, इसमें तो सारा मैंने फाइनल किया है वैसे, वो बस मुझे उसमें टेस्ट लगाना है। ये बढ़िया है, बढ़िया है, 44 बिल्कुल ठीक। बेटा कैसी लगी? मस्त है, बहुत प्यारी है, जैसा सोचा है वैसे ही है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। बहुत प्यारी लग रही है, ये तो बहुत ही ग्रे वाली सबसे अच्छी लग रही है, सबसे अच्छी ग्रे वाली लगी मुझे। मेरी बहन के पास एक ग्रे कलर का ऐसी कुछ सूट है और उसकी इतनी सुंदर लगती थी, मुझे भी ग्रे कलर का कुछ चाहिए था। ग्रे कलर का मजा आ गया, बहुत अच्छी। इसका वो है डिजाइन, मम्मी ने चेंज किया है ये वाली डिजाइनिंग। तो नायरा कट पहले डिसाइड दूसरा था, फिर मम्मी ने नायरा कट, लेकिन इसकी डिजाइनिंग वगैरह सब हमने अपने तरीके से किया, बस मम्मी ने बोला इसको नायरा कट बना दो। नहीं, नायरा कट में इसकी खूबसूरती आ रही है, मैं बता रही हूँ। नायरा कट में लुक अच्छी आ रही है, बट लुक की बात नहीं। देखिए आप ये बताइए कहाँ कढ़ाई थी और कहाँ हमने इसको लिया, किस तरीके से सेट किया, ये कढ़ाई ली, ये कढ़ाई। सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है ये चीज है, ये सब वो तो आपकी डिजाइनिंग। अच्छा लगा बेटा, तो इसीलिए तो बनवाया है। चलिए थैंक यू, आपको पसंद आया। अगर हमसे पसंद, हमसे बनवाया और हमसे हम पे विश्वास किया आपने।